हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर एसिड बेस इन सॉल्ट का, जिसमें लास्ट लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था उसमें स्टडी किया था कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड और कौन कौन से कंपाउंड हम स्टडी कर चुके हैं और उनमें क्या क्या कंटेंट आपने स्टडी किया है, एक बार उसे रिवाइज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आप कॉमन सॉल्ट स्टडी कर चुके हो NaCl, देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटली स्टडीड अबाउट द कास्टिक सोडा NaOH, Na2CO3 NH2O washing soda और NaHCO3 packing soda। ये सारे important compound कैसे prepare किए जाते हैं, इनकी क्या properties होती हैं और इनके uses क्या होते हैं, उस चीज को आप अच्छे से revise कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो important content था वो था कि इनकी manufacturing के लिए जो process है उसे जाना जाता है Solvay process के नाम से। इसे आप prepare करते हो chloralkali process, इसके लिए क्लोरोल्किली प्रोसेस और इनके लिए सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस में रॉ मटेरियल आपने क्या क्या लिया, कौन से कंपाउंड आपके पास बने और फर्दर किस तरह से हम अपने रिक्वायर्ड कंपाउंड को कैसे सेपरेट करते हैं, उसके बाद कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, NaOH का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, आप किसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, एक्वस एनएसीएल का स्टाइप इक्वेशन। कॉमन सॉल्ट तो बड़ा सिंपल है, कॉमन सॉल्ट को आप सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हो, इवेपोरेशन के थ्रू आप कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करते हो। बट क्वेश्चन पूछे आपने कि कॉमन सॉल्ट में NaCl के अलावा और कोई दूसरे सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्योंकि सी वाटर है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी उसमें अवेलेबल होते हैं। चलिए तो इस कंटेंट को आप रिवाइज कीजिएगा, सारे यूजर्स को फिर से पढ़िएगा, क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन इस थ्योरेटिकल पार्ट से बनेगा वो इनके यूजेस से या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से पूछा जाएगा। चलिए अब आज जो मैं स्टडी कर रहा हूं उसमें नेक्स्ट कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड है वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। नाम आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर को कई सारी जगह पर यूज में लिया जाता है, स्विमिंग पूल में वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है जिससे वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाया जाता है, मीन्स वाटर की डिसइंफेक्टिंग की जाती है, उसके अंदर जो जम्स होते हैं उन्हें किल करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ऐसा क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये हमारे क्वेश्चन है और इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करेंगे या इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे एज अ फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है CaOCl2 से। CaOCl2 से इसकी नेमिंग हम क्या क्या करते हैं, इसके ये जो नेमिंग यूज में ली जाती है जैसे कि इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसे बोला जाता है क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम या क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं या फिर कई जगह पर ये लिखा होगा क्लोराइड ऑफ लाइम। चलिए तो इसका नेमिंग हो गई, हम बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में केटायन कौन है और एनायन कौन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें केटायन कौन है और एनायन कौन है इसे भी आप देखिएगा, कैल्शियम Ca2+ केटायन है और एनायन इसमें क्लोराइड आयन नहीं है, इसमें क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन दो डिफरेंट एनायन है। तो आप जानते हैं कि ये कैल्शियम होगा, ये होगा क्लोराइड और ये एनायन होता है हाइपोक्लोराइड। HCl एसिड का एनायन जो Cl- है क्लोराइड होगा, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl इसका एनायन OCl- सम हाइपोक्लोराइड एनायन होता है। तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर और इसका केमिकल फॉर्मूला जो हम सिंपल फॉर्मूला यूज में लेते हैं, बट एक्चुअल में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, इसमें कई सारे ये एक मिक्सचर होता है। एक्चुअल में इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है CaOCl2, ये क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसके साथ में मिक्स होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड वाटर होता है, मींस एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हम एक सिंपल फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बट एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक मिक्सचर है। चलिए ये तो ब्लीचिंग पाउडर की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, बात करते हैं कि इसे प्रिपेयर कैसे करना है और इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी और क्लोरीन को डाला जाता है स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या डाला जाता है क्लोरीन के इसको डाला जाता है और क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है ब्लीचिंग पाउडर का। यहां पर CaOCl2+ आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा H2।
तो यहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा COCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर होता है COCl2, अगर इसे ओपन एटमोसफेयर में रखा जाता है तो इससे क्लोरीन गैस का एवोल्यूशन होता है। इससे क्लोरीन गैस निकलती है, एटमोसफेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, एटमोसफेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है और इससे रिलीज होने वाली गैस होती है क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस के एवोल्यूशन की वजह से ही ब्लीचिंग पाउडर अपने एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब जो जिस उस क्लोरीन को बोला जाता है बच्चों अवेलेबल क्लोरीन, उस क्लोरीन को बोला जाता है अवेलेबल क्लोरीन, उसी की वजह से ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमें येलो इशा अपियर होता है, क्योंकि क्लोरीन का कलर येलो होता है तो हमें येलो इशा अपियर होता है, मतलब ये क्लोरीन को रिलीज करता है। और वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरीन की। तो यहाँ से ये क्या करता है, क्लोरीन को रिलीज करता है जो कि ब्लीचिंग या जर्म्स को किल करने में हेल्पफुल होती है। ये तो होगी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अराउंड 313 केल्विन से हीट करते हैं तो स्लैगी लाइट जो है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। हम ये फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर एक पूरा मिक्सचर होता है जिसमें कई सारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी यूजेस। नाउ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये एक अच्छा यूज है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म CnCl3। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CnCl3, जो कि बेहोशी के लिए, एनेस्थीसिया के लिए काम में ली जाती है क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ब्लीचिंग पाउडर का नाम ना देकर उसकी प्रॉपर्टी या उसके यूजर्स को मार्क किया होता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री या फाइबर इंडस्ट्री या फैब्रिक इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि एक कलर को हटा देता है, कलर को रिमूव कर देता है। मतलब हमें क्या करना है, कलर्ड सब्सटेंस को इसे करना है कलरलेस, और यही प्रोसेस है ब्लीचिंग का। और ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन के थ्रू, मीन्स आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगी, ब्लीचिंग हो जाएगी। तो ब्लीचिंग के लिए हमें ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, अभी अभी आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हाइपोक्लोराइट आयन होता है OCl-, ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आए या किसी एसिड के कॉन्टेक्ट में आए तो ये कन्वर्ट हो जाता है HOCl में, और HOCl फर्दर ब्रेक होकर हमें क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करती है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, कलर को रिमूव करने में हेल्प करता है। और ये प्रोसेस तभी होगा जब वहां ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के लिए कौन आपको मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन, या कई जगह पर क्लोरीन भी होती है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करती है। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड यूजेस। थर्ड यूज जो इसका होगा उसकी बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जैसा कि आपको मैंने बताया था इट इज यूज फॉर तो देखा होगा कि कपड़ों की ब्लीचिंग करवाई जाती है, कपड़ों को जैसे वुलन क्लॉथ होते हैं या लिनन के कपड़े होते हैं या फिर कॉटन के कपड़े होते हैं तो उनकी ब्लीचिंग करवाई जाती है, जिससे वो क्या होते हैं, श्रिंक प्रूफ हो जाते हैं, उनकी जो सल्फेटें होती है वो अच्छे से निकल जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रोल है कि ये फूल वगैरह को श्रिंक प्रूफ बनाने में हेल्प करता है। और इसका एक अच्छा यूज ये भी है कि दैट इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, मींस it is used for disinfecting water।
मीन्स वाटर के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें किल करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ब्लीचिंग पाउडर की। ये यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्योंकि इससे रिलीज होने वाली जो क्लोरीन गैस है ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। तो वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट इसे काम में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को। तो इनमें जो अच्छी यूजेस थे क्लोरोफॉर्म में और एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसे काम में लिया जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब इस पर बनने वाले जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ब्लीचिंग पाउडर को आपने किससे बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे बनाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप बना सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, इससे आप पास करोगे क्लोरीन तो आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये क्लोरीन कहाँ से मिल सकती है आपको, ये क्लोरीन मिल सकती है बच्चों क्लोरएल्किली प्रोसेस से। तो देखो कई सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ रिलेट किया जा सकता है। ये एक क्वेश्चन बना जिसके अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टी जो आप पहले पढ़ चुके हो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आप स्टडी कर चुके हो, इसे अप्लाई किया ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसे सेट्राइन बोला जाता है, और क्लोरएल्किली प्रोसेस में मिलने वाली क्लोरीन। क्लोरएल्किली प्रोसेस कौन सा, जिसमें एक्वस एनएसीएल का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एनोड पर आपको कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस। तो इस क्लोरीन गैस को यहाँ पर आप डालकर क्या बना सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन भी इन्वॉल्व होगी और ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन भी इन्वॉल्व होगी, दोनों इन्वॉल्व कर एक अच्छा लेंथी क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड। ये था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बाद नेक्स्ट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, दोनों ही बड़े कॉमन से कमर्शियल कंपाउंड हैं जिनके नाम आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। पीओपी का नाम तो कई बार सुनते हैं, ठीक है, जैसे एक घर बनवाया जाता है तो बोला जाता है कि पहले इस पर पीओपी करवा लीजिए या सीमेंट वगैरह, इस फील्ड में आप इसका नाम अच्छे से सुनते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नॉन एस पीओपी। पीओपी का केमिकल फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं, कैल्शियम सल्फेट डोर हाफ एच टू, इसे बुलाते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो हाफ एच टू इसलिए हेमी हाइड्रेट लिख दिया, इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी एस ओ फोर डबल कर दिया और एक एच टू ले लिया। कॉम्बिनेशन केवल जितना आपके पास कैल्शियम सल्फेट है उसका आधा क्या होना चाहिए, एच टू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बनता है आप कर दिया, हम चाहे तो यहाँ पर कितना करते हैं डबल और यहाँ पर कितना करते हैं सिंगल करते हैं। तो इस तरह से भी आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। पीओपी के बारे में पहले कुछ बातें कर लें, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हमें अलग अलग फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्राइड फॉर्म में भी मिलता है, CSO4 के फॉर्म में भी मिलता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में भी मिलता है। ये फॉर्म कैसे हाइड्रेटेड फॉर्म है, कैल्शियम सल्फेट हमें नेचर में इस फॉर्म में मिलता है CSO4O2H2, और इसे बुलाते हैं जिप्सम, और इस जिप्सम से ही बनाया जाता है बच्चों पीओपी को। इस जिप्सम से ही पीओपी तैयार किया जाता है, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन या इसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे की जाती है, जिप्सम से। अब कैसे बनेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपके सामने है कि मुझे करना है क्या, H2 मॉलिक्यूल को हटा लें, यहां से अगर H2 मॉलिक्यूल हटा देंगे और इससे CSO4 ½ H2 बना देंगे और 3/2 H2 अलग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डबल H2 मॉलिक्यूल थे और यहाँ पर कितने कर लें हाफ कर, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यहाँ पर जो हीटिंग रिक्वायर्ड होगी वो हीटिंग कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड हीटिंग होनी चाहिए। अगर आपने जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हीटिंग कर दी, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया तो हो सकता है कि यहां पर आधा H2O भी ना बचे। अगर हीटिंग अनकंट्रोल्ड हो गई तो उस केस में आपके पास अगर इसे फर्दर हीट कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और इसके बारे में बच्चों में आपको क्लियर कर दूं, ये आपके किसी काम का मटेरियल नहीं बचेगा, इसे बोला जाता है ये केवल सॉलिड मास होता है, इसे बोला जाता है डेड पॉइंट प्लास्टर, मींस ये किसी काम का नहीं होगा, इससे आप फर्दर इसकी वो एप्लीकेशन नहीं होगी जो पीओपी की होती, प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। इसकी एप्लीकेशन सभी मैं आपको बताऊं, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टेच्यू बनाने में, टॉयज बनाने में, ठीक है, जो बॉन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे ज्वाइन करने के लिए जो कास्ट बनाया जाता है वो भी किसका बनाया जाता है, पीओपी का बनाया जाता है।
ठीक है, किसी कहीं पर गैप आ चुका है तो गैप की सीलिंग के लिए पीओपी को डाला जाता है। पीओपी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, स्पेरिली सोल्यूबल होता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर इसकी सोल्युबिलिटी कम होती है क्योंकि वाटर के साथ मिक्स होकर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। चलिए तो कैल्शियम सल्फेट की कंट्रोल हीटिंग कर ली, उसमें 373 कैल्विन लिखा हुआ है, कुछ भी 393 भी लिखा हुआ है, मतलब 100 to 120 के बीच में हम से हीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पीओपी मिलता है, ये कंट्रोल हीटिंग। ज्यादा हीट करोगे तो एडिएबल कैपेसिटर बन जाएगा जो कि हमारे काम का नहीं रहेगा। कैल्शियम सल्फेट एक ड्राई सॉलिड मास बन जाता है। चलिए तो अब पीओपी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, पीओपी को हम कैसे काम में लेंगे। तो पीओपी को काम में लेने का तरीका है कि जहां पर भी आपको पीओपी को अप्लाई करना है, आप पीओपी पाउडर में कैल्शियम सल्फेट 2.5H2O और ये कई सारे स्टेप्स से होता हुआ फाइनली CSO4 इसके अंदर आप मिक्स करेंगे H2O तो ये 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कैसा होगा, हार्ड एंड सॉलिड मास बन जाएगा। मींस पीओपी को यूज में लेने के लिए पीओपी में वाटर मिक्स किया जाता है जिससे पीओपी वापस से कैसा बन जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसके भी कई सारे स्टेप्स है, ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है अलग अलग जिप्सम में और फाइनली हमें क्या मिलता है, CSO4 2H2O। इसे हम बोलते हैं कि सेटलिंग ऑफ पीओपी बोल सकते हो, पीओपी को सेट करने के लिए, पीओपी को काम में लेने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है। अब इस प्रोसेस को स्पीड अप भी किया जा सकता है और स्लो भी किया जा सकता है। तो इसे कैटलाइज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। NaCl डालने से इसकी क्या होती है, सेटलिंग फास्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी केमिकल्स होते हैं जैसे कि बोरेक्स। अब बोरेक्स का बताया था आपको लास्ट क्लास में, बोरेक्स के बारे में बताया था, किस टॉपिक में बताया था, वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा क्या था, Na2CO3.10H2O और इससे क्या बनाया जाता है, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। क्लियर, तो बोरेक्स या हम बात करें एलम, एलम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 2H2SO4O3 2.24H2O, पोटाश एलम जैसे पिचकरी बोला जाता है। तो बोरेक्स लें या एलम कर लें, इससे तो आप प्रोसेस को कैटेलाइज कर सकते हो, मीन्स स्पीड अप कर सकते हो और इससे आप प्रोसेस को रिटार्ड कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। तो अगर आपको सेटलिंग टाइम को स्लो करना है तो आप ये चीजें डालें, ठीक है। पीओपी का सेटलिंग टाइम अगर रिड्यूस करना है तो आप ये मिक्स कर सकते हैं, इसे पास करना है तो NaCl डाल सकते हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसे याद रखें और इससे आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस होगा सेटलिंग ऑफ पीओपी। सेटलिंग ऑफ पीओपी, पीओपी किस तरह से सेट होता है, तो पीओपी को सेट करने के लिए, वापस से जमाने के लिए इसमें H2O ऐड किया जाता है। ये हो गए क्लास्ट ऑफ पेरिसिलिन प्रॉपर्टीज और इसकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं कि पीओपी के यूजेस क्या क्या होंगे। First, it is used in dentistry. Second, it is used for sealing gaps. देखो कई जगह पर gaps को fill करने के लिए, gap को seal करने के लिए वहां पर किससे mix, किससे add किया जाता है, POP को। क्योंकि पीओपी पाउडर को जब आप वहां पर रखेंगे और फिर जब उसमें वाटर मिला देंगे तो उसके बाद इसका वॉल्यूम जो होता है थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि जो भी वो गैप होता है वो पूरी तरह से सील हो जाता है, उसे अच्छे से पैक कर देता है। तो गैप की सीलिंग के लिए हम किसे काम में ले सकते हैं, पीओपी को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड स्टैचूज, ठीक है, स्टेजूस दिया जाता है, कास्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ज्वाइन करने के लिए जो कास्ट बनाया जाता है वो भी किसका बनाया जाता है, पीओपी का बनाया जाता है। तो ये पीओपी के कुछ बेसिक यूजर्स थे जिन्हें आप अच्छे से रिवाइज करें। चलिए बच्चों, अब हमारे सारे कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपने स्टडी किया, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। कॉमन सोल्ट कंप्लीट हो चुका है, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाएगा, बेकिंग सोडा के यूजेस पर बन सकते हैं, वॉशिंग सोडा के यूजेस पर बन सकते हैं। वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी आज आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो पीओपी कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है।
कई सारे सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज में यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि CuSO4 5H2, इसे बुलाता है ड्यूट्रियोन, FeSO4 7H2, इसे बुलाता है ग्रीन विट्रियोन, Na2SO4 7H2, इसे बुलाता है ग्लोबल सॉल्ट, और MgSO4 7H2, इसे बुलाता है एप्सम सॉल्ट, पोटाश Na2SO4 Al2SO4 3 24H2, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2, जिप्सम CaSO4 2H2, POP CaSO4 1/2H2। ये सारे के सारे सॉल्ट बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, ये सारे के सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। अब आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट की डेफिनेशन मिल चुकी, क्योंकि सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि जिनके अंदर मींस हम डिफाइन कर सकते हैं सॉल्ट्स विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्रिस्टलाइज्ड वाटर होगा आप उसे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल सकते हैं। अब क्रिस्टलाइज्ड वाटर कौन सा होता है, ये .H2 मींस आपने सॉल्ट सॉल्यूशन के जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल है कौन क्रिस्टल के अंदर H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ऐसा सॉल्ट को क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी सॉल्ट का हाइड्रेशन होने से उसकी प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आता है बच्चों ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट .5H2, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अगर आप इसे हीट कर दें और इसके H2O को अलग कर दें या इसे थोड़ा सा ओपन में रख दें, इससे H2O अगर अलग हो गया, ये H2O वेपराइज हो गया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। मींस क्रिस्टलाइन वाटर के प्रेजेंट होने से कंपाउंड के कलर इफेक्ट होते हैं, जो आपको सॉल्ट का कलर मिलेगा वो डिफरेंट होगा अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, और एनहाइड्रस फॉर्म होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हाइड्रेटेड है और ये एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस मतलब आपने क्रिस्टलाइन वाटर को हटा दिया है, बस सिंपल इतना सा ही आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में स्टडी करना है। और जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट के मिल जाए आप उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको नाम दे दिए जाएंगे, अब नाम दे दिए जाएंगे तो आपको पता हो कि उसमें क्रिस्टलाइन वाटर, तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसलिए जो जो सॉल्ट आपको पढ़ाए जाते हैं आपको उनके नाम और उनके फॉर्मूलास लर्न करने। चलिए बच्चों, तो कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी कंप्लीट हुआ, एसिडेशन सॉल्ट का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, और हाइड्रेटेड सॉल्ट एक छोटा सा टॉपिक ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, अगला टास्क होगा कि आप मॉड्यूल एक्सरसाइज को एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें, और फिर आप आगे के जो लेक्चर्स मिलेंगे, आगे के जो चैप्टर्स होंगे उन्हीं के साथ इन वीडियो से कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।